हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक और न्यू प्रोटीन की, जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। एंड ये एक अवतार ब्रांड का प्रोटीन है एंड ये एक आइसोलेट प्रोटीन मंगवाया है हमने इस बार। तो इसकी आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसको एंड चेक भी करेंगे मिक्स कर एंड इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है, सारा कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे इसके। एंड इस तरीके की बॉक्स के अंदर आता है ये एंड इसको आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया। बेल्जियम चॉकलेट इसका फ्लेवर मंगवाया है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है एंड आइसो रिच है ये। 29 सर्विंग इसके अंदर मिलती हैं, 1 kg का पैकिंग है ये प्रोटीन। इसके अंदर 28 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है इसमें। ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर 4 ग्राम है, BCA 6.3 ग्राम है, अदर EAS आपको मिलते हैं इसके अंदर 6.3 ग्राम। बाकी ये सारी तरह के ट्रस्टिफाइड है, सारी तरह के पैरामीटर्स को इसने पास किया हुआ है, किसी तरह के हैवी मेटल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। एंड अवतार ब्रांड के जो मेकर्स हैं, गोवर्धन की, गो चीज़, प्राइड काओ वाले, प्राग इंडस्ट्री है, प्राग मिल्क फूड्स, वही इसको बनाते हैं। एंड यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए गए हैं, वे प्रोटीन आइसोलेट, कोको पाउडर डाला हुआ है, सॉल्ट है, पोटाशियम है एंड सनफ्लावर लेटिन है, सो स्टेबलाइजर डाले हुए हैं एंड कंटेन एडिड फ्लेवर चॉकलेट, नेचुरल है, फ्लेवर भी सारे नेचुरल डाले गए हैं। एंड यहाँ पर मेंशन भी किया गया है किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। अगर आप एथलीट हैं, जिम करने स्टार्ट कर चुके हैं, अगर बिगनर हैं तो आपने हाफ से यूज़ करना है, हाफ स्कूप यूज़ करना है या 1 स्कूप अपने मॉर्निंग में मील के साथ लेना है। अगर आप ट्रेंड हैं, काफ़ी पुराने एथलीट हैं तो उस हिसाब से आपने 1 स्कूप लेना है, आफ्टर जिम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके सारा कुछ इन्होंने मेंशन भी किया है किस तरीके से आपने इसको लेना है। बाकी ये पूरा काओ मिल्क से ड्राइव किया गया है एंड अवतार ही एक ऐसा ब्रांड है जो पूरा काओ मिल्क के द्वारा ही बनाया गया है प्रोटीन को। बाकी किसी भी ब्रांड ने ऐसा मेंशन नहीं किया होता है कि काओ मिल्क से बना है। तो प्राग मिल्क जो इंडस्ट्री है, फेमस भी है, गोवर्धन घी जिसका आपने ऐड सुनी होगी, तो सारा कुछ काओ से ही ड्राइव किया गया है। एंड इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, अगर आप एथलीट हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, स्पोर्ट एथलीट हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपने इसको प्रोटीन को डेली आपने कंज्यूम करना है। एंड इसके अंदर आप दे सकते हैं हर तरह के अमीनो एसिड्स वगैरह अपने लिमिट्स के अंदर हैं, किसी तरह कोई भी हैवी मेटल नहीं है क्योंकि ट्रस्टिफाइड है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड अवतार ब्रांड काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है एंड इसके अंदर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये प्रॉपर एक सील के अंदर आता है, अपने सील को ब्रेक कर लेना है। अगर प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी चेक करनी है तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी लगा होता है, आप यहाँ क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी चेक कर सकते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। बाकी मैंने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको वहाँ से, डायरेक्ट आपको प्रयाग मिल्क फूड इंडस्ट्री से ही आपको सप्लाई हो रही है। एंड आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अमेजोन से अगर कभी कार्ड ऑफर वगैरह चलती है। बाकी देख सकते हैं अवतार की सील भी लगी हुई प्रॉपर टाइट, तो इस तरह की सील आपके भी बॉक्स में होनी चाहिए। तो ये हम सील को ब्रेक कर लेते हैं एंड थोड़ा चेक करते हैं पाउडर की क्वालिटी। काफ़ी ब्रीक पाउडर है क्योंकि आइसोलेट है, तो काफ़ी अच्छा रहता है, आपके डिजेस्ट भी जल्दी होता है। बाकी इसका जो स्कूप है वो काफ़ी मुश्किल है ढूंढना, काफ़ी देर के बाद हमें स्कूप मिला है, काफ़ी नीचे था स्कूप। एंड ये ट्रांसपेरेंट स्कूप है, अवतार की ब्रांडिंग की गई है एंड ये एक स्कूप आपको कंज्यूम करना है। इस तरीके से आपने इसको भर लेना है एंड आपने अपने शेकर के अंदर इसको शेक करना है। अभी इसकी हम मिक्सिबिलिटी भी चेक करेंगे किस तरह का टेस्ट है एंड मिक्स होता है, कोई लम्स वगैरह तो नहीं आते हैं, तो इसको भी अभी हम चेक करने वाले हैं। बाकी टेस्ट वाइज इसके अंदर काफ़ी तरह के फ्लेवर्स आते हैं, ये बेल्जियम चॉकलेट है, एक मलाई कुल्फी इनका काफ़ी फेमस है, तो वो भी मैंने एक ऑर्डर करा हुआ है। इसका एक और आता है इसके अंदर, वो आइसो रिच नहीं है, वो कॉन्सनट्रेट होता है, तो उसको भी हमने मंगवाया हुआ है, तो उसका भी हम रिव्यू जल्दी लेने वाले लेके आएंगे इस वीडियो को इसके बाद। बाकी इसको हम शेक करके देखते हैं एंड इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है एंड मीठा भी जो ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल लगता है आपको लगेगा। एंड इसकी मिक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, किसी तरह का कोई लम्स नहीं रहता है एंड काफ़ी लाइट वेट है, तो इसको आप ज़रूर कंज्यूम कर सकते हैं। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।